बिग बॉस सीजन 13 अपने आखिरी मुकाम पर तो आ ही गया है, क्योंकि कल है बिग बॉस का फिनाले, जिसको देखने के लिए फैंस कर रहे हैं और साथ ही घर वाले कर रहे थे बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, कल है बिग बॉस का ग्रैंड फिनाले, लेकिन इस ग्रैंड फिनाले के लिए सिर्फ और सिर्फ 36 घंटों के लिए ही वोटिंग लाइन्स चालू की गई है। लेकिन इस वोटिंग में एक दूसरे ने सबको दे रखी है कांटे की टक्कर, क्योंकि घर के अंदर 13 सदस्यों में से सिर्फ टॉप 6 में आए हैं ये 6 सदस्य, जिनके नाम हैं सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, आसिम रियाज चौधरी, रश्मि देसाई, आरती सिंह और पारस छाबड़ा। ऐसी खबरें आ रही हैं कि जैसे ही वोटिंग लाइन्स चालू हुई थी, उसके बाद ये हैंग हो गई थी, जिस वजह से ये कभी चालू हुई है और कभी बंद। इसी कारण की वजह से अभी तक किसी भी सदस्य के प्रॉपर आंकड़े सामने नहीं आ पाए हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें सिद्धार्थ और आसिम के बीच के कंपटीशन की, तो इस समय इन दोनों के बीच में चल रही है कड़ी टक्कर। हिंदुस्तान किसके साथ है अब इस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब वोट किसको ज्यादा मिलेंगे ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन अब इन दोनों में से डिसाइड करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला चल रहा है। इन दोनों के अलावा रश्मि, पारस और आरती तो इस रेस से बाहर हो चुके हैं। इन तीनों के वोट तो बहुत ही कम है। और अगर बात करें पंजाब की कटरीना कैफ यानी कि शहनाज गिल की, तो शहनाज का आसिम और सिद्धार्थ के बाद नंबर है। जी हाँ, जितने वोट शहनाज को मिलने चाहिए उतने शहनाज को नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि टक्कर चल रही है आसिम और सिद्धार्थ में। तो सिद्धार्थ और आसिम दोनों के फैंस को बता दें कि नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है सिद्धार्थ और आसिम में, तो ये बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है कि कौन है इन दोनों में से आगे और कौन है पीछे। आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन हो सकता है फिनाले की रेस से बाहर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसी तरह के बिग बॉस से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल अर्पण न्यूज को करें सब्सक्राइब, और यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पर आई कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।